महाभारत में अनेकों प्रेम कथाएं वर्णित हैं, जिनमें प्रेम की शक्ति को दिखाया गया है। ऐसे ही महाभारत के एक अन्य पात्र बलराम और रेवती की प्रेम कहानी भी कम रोमांचक नहीं है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग का अवतार माने जाने वाले बलराम और उनकी पत्नी रेवती की कथा सुनाने जा रहे हैं। पर उससे पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा रैवतक का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। राजा रैवतक की एकमात्र सुपुत्री थी राजकुमारी रेवती। वह अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए विख्यात थीं। राजा रैवतक ने उन्हें सभी कलाओं की शिक्षा दी। एक दिन जब रेवती की विवाह की उम्र हुई तो राजा ने उनके लिए संपूर्ण भूमंडल में एक योग्य वर खोजना आरंभ किया। उन्होंने अनेक राजकुमारों से रेवती के हाथ के लिए प्रस्ताव भेजे, परंतु रेवती को कोई भी राजकुमार उपयुक्त नहीं लगा। जब राजा को कहीं भी उपयुक्त वर नहीं मिला तो वे चिंतित हो उठे। एक दिन राजा ने रेवती से पूछा, बेटी तुम्हें कैसा पति चाहिए? रेवती ने कहा, पिताजी मुझे ऐसा पति चाहिए जो संसार में सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली हो। तब राजा ने इंद्र से पूछा कि संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? इंद्र ने कहा वायु, वायु ने कहा पर्वत, पर्वत ने कहा पृथ्वी और अंत में पृथ्वी ने कहा शेषनाग। शेषनाग का नाम सुनकर राजा को एक किरण उमड़ी। उन्हें याद आया कि रेवती का पिछला जन्म ज्योतिषमती नाम की राजकुमारी के रूप में था। ज्योतिषमती ने भी अपना पति शेषनाग के समान पराक्रमी होना चाहा था और तप कर ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया था। तब राजा ने निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी से मिलकर रेवती के भावी पति के बारे में जानेंगे। वे रेवती को लेकर ब्रह्मलोक के लिए रवाना हुए। जब वे ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, रेवती का वर शेषनाग के अवतार बलराम ही होंगे। यह सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुए और वापस पृथ्वी लोक के लिए विदा हुए। लेकिन जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वहां सब कुछ बदल चुका था। लोगों का आकार छोटा हो गया था और द्वापर युग चल रहा था। राजा को समझ में आया कि ब्रह्मलोक में बिताए गए समय के कारण पृथ्वी पर दो युग बीत चुके हैं। वे श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गए और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। चूंकि अब रेवती का आकार बहुत बड़ा था, इसलिए बलराम ने अपने हल की शक्ति से उनका आकार छोटा कर दिया। फिर बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हुआ और वे एक सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार सत्युग में शुरू हुआ बलराम और रेवती का प्रेम द्वापर युग में पूर्णता को प्राप्त हुआ। यह एक अतुलनीय प्रेम कथा है जो युगों तक चली और अंत में सफल हुई। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।